मोदी सरकार से ममता बनर्जी का है 36 का आंकड़ा। मोदी सरकार का कोई भी काम ममता बनर्जी को नहीं भाता। ममता ने एनआरसी को लेकर भी मोदी शाह पर तंज मारा। पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देने का किया दावा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नरेंद्र मोदी सरकार से जैसे 36 का आंकड़ा रहता है। मोदी सरकार के किसी भी काम से खुश नहीं दिखती है ममता बनर्जी, और अब जब मोदी सरकार ने एनआरसी लाने की पूरी प्लानिंग कर ली है तो फिर जैसे ममता बनर्जी इस बात पर भी आग बबूला दिखाई दे रही है। वो तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को सीधे चुनौती दे रही है। एनआरसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह से भिड़ने की जैसे ठान ली है, तभी तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड निष्क्रिय करने का मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है, ज्यादातर मतुआ समुदाय के लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए। ममता बनर्जी ने फिर एनआरसी का विरोध करते हुए ये भी कहा, मैं भाजपा से पूछना चाहती हूं कि वो ये गंदा खेल क्यों खेल रहे हैं। वो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार, लाभार्थियों के अधिकार छीन रहे हैं। हम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं करने जा रहे हैं। याद रखें, हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पश्चिम बंगाल के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं करने जा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने फिर मोदी सरकार को चुनौती देते हुए ये भी कहा, जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं हम उन्हें अलग काट देंगे और हम किसी भी नागरिक के साथ गलत नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने कहा, हमने आधार ग्रीवेंस पोर्टल ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नाम से एक पोर्टल तैयार किया है। जिन लोगों का आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है उन्हें जल्द से जल्द हमें बताना चाहिए ताकि वो अपने लोकतांत्रिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का उपयोग करते रहें। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने इस बाबत पीएम मोदी को पत्र भी लिख दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है, मैं पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से एससी एसटी और ओबीसी समुदायों को निशाना बनाकर आधार कार्डों को लापरवाही से निष्क्रिय करने की कड़ी निंदा करती हूं। हम सभी भारत के नागरिक हैं और प्रत्येक नागरिक पश्चिम बंगाल सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है, भले उनके पास आधार कार्ड हो या नहीं। ये एक तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को ममता बनर्जी की खुली चुनौती है कि मोदी सरकार चाहे तो पूरे देश में एनआरसी को लागू करवा दे, लेकिन ममता बनर्जी के रहते बंगाल में एनआरसी को वो कतई लागू नहीं करने देंगी। हालांकि ममता बनर्जी की गलतफहमी को बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने दूर किया है। उन्होंने कहा है, आधार कार्ड के निष्क्रिय होने को लेकर कुछ समस्या देखी गई। इसके संबंध में मैंने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात भी की। निष्क्रियता तकनीकी गलती के कारण हुई और राज्य में करीब 54,000 लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय हो गए थे। इसी शिकायत को लेकर ममता बनर्जी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जैसे टूट पड़ी है। हालांकि आपको एनआरसी का मतलब समझाना भी जरूरी है कि एनआरसी है क्या, जिसको लेकर ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आपा खो बैठी है। क्या है एनआरसी? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। भारत सरकार द्वारा 1946 के विदेशी अधिनियम द्वारा संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के अनुसार गैर कानूनी अप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने का एक प्रयास है। ये एक तरह से सभी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है। इसे 2003-2004 में संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बनाया गया है। इसे असम राज्य को छोड़कर अभी तक कहीं भी लागू नहीं किया गया है, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। सरकार ये साफ कर चुकी है कि एनआरसी का भारत के किसी भी धर्म के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद केवल भारत से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना है। बंगाल में आकर तृणमूल कांग्रेस भ्रांति फैला रही है कि एनआरसी के तहत शरणार्थी भी चले जाएंगे। मैं आज इस मंच से पश्चिम बंगाल में जितने शरणार्थी है सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 लेकर आई है, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आए हुए क्रिश्चियन, बौद्ध और हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। कोई शरणार्थी को वापिस भेजने का कोई कार्यक्रम नहीं। जरा भी जलना नहीं पड़ेगा। पहले सीए भी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा,
सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है, बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीएबी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। और मीडिया भी भय को कम करने का काम करे, जरा मेरी बात को इन्वर्टेड कॉमा में पहुंचाइएगा, भय बढ़ाइएगा नहीं। लेकिन ममता बनर्जी शायद अवैध प्रवासियों को अपने राज्य में पालना पोसना चाहती हैं, तभी तो वो एनआरसी का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही हैं। कह रही हैं कि खून दे देंगे लेकिन राज्य में एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। वैसे ममता बनर्जी के एनआरसी पर मोदी सरकार को दी गई इस चुनौती पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।